महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। महंगाई को लेकर कांग्रेस अब अपना आंदोलन तेज कर रही है। 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली करेगी कांग्रेस, जिसको लेकर झारखंड में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महंगाई आसमान छूती कीमतों को लेकर आंदोलन कर रही कांग्रेस अब दिल्ली से इस मुद्दे पर अपनी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाएगी। 28 अगस्त को कांग्रेस दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली करेगी, जिसमें बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरेगी। इस रैली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि जल्द इसे लेकर पार्टी की बैठक बुलाई जाएगी। और गरीब जनता को महंगाई की मार दे रही है, तो हम एक सजग विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए इस जनमानस के साथ सुख और दुख में कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है, तो हम महंगाई को लेकर के पूरे देश में आज हमारा आंदोलन चल रहा है। रैली में झारखंड से भी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस रैली को कांग्रेस का आलाकमान गंभीरता से ले रहा है। इधर झारखंड से प्रदेश कांग्रेस के अलावा यूथ कांग्रेस ने भी दिल्ली में होने वाले रैली में बड़ी संख्या में झारखंड के पदाधिकारियों के शामिल होने का दावा किया है। चुनाव में भी यूथ कांग्रेस 21 तारीख को और 5 तारीख को, दोनों में यूथ कांग्रेस सैकड़ों के साथ गए थे, जिसके नेतृत्वकर्ता झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे। और 28 को भी झारखंड से हर विधानसभा अध्यक्ष, हर जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष तक जाने का निर्देशित हो रहा है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर जनता के बीच खुद को फिर से स्थापित करने में जुटी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पार्टी इस रैली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।